हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं नोट मेकिंग की तरफ। नोट मेकिंग अपने आप में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जो कि लिटरेरी ग्रामर में आता है। नोट मेकिंग का अर्थ आप क्या समझते हैं? हमने लिख दिया नोट मेकिंग, ये लिख दिया हमने नोट मेकिंग। अब ये नोट मेकिंग का अर्थ तो हो गया नोट बनाना, लेकिन ये नोट कौन सा नोट, ये मत समझ लेना ये वाला नोट, ये नोट नहीं होता। नोट का मतलब होता है किसी भी पैसेज की महत्वपूर्ण बातें लिखना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर इस बात को समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स मिलकर किसी टीचर के पास जाते हैं और टीचर आपसे कहता है कि मेरे लिए बगीचे में से फूल लेकर आओ, और ऐसा बगीचा जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हों। लेकिन टीचर ये कहता है कि उन फूलों में से मुझे केवल गुलाब और कमल का ही फूल चाहिए, या गुलाब या चमेली का ही फूल चाहिए। अब स्टूडेंट्स जाते हैं, अब वो देखते हैं वहाँ पे इतने सारे फूल हैं, तो उनमें से दो फूल छांट कर ले जाने हैं। वो टीचर से कहते हैं कि सर, हम आपके लिए पूरा बगीचा ही उठा लाते हैं। अरे नहीं, मुझे बगीचे का क्या करना है, मुझे केवल गुलाब और चमेली का ही फूल चाहिए। बच्चे फिर जाते हैं और वहाँ से केवल गुलाब और चमेली का ही फूल लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं, लो सर, हम ले आए आपके लिए गुलाब और चमेली का फूल। तो हम कहते हैं, लाओ हमारा फूल दो और मार्क्स ले लो। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो हमारा पैसेज है वो तो हो गया एक गार्डन, और जो सेंटेंसेस ये हो गए हमारे फ्लावर्स, और जो टीचर ने केवल गुलाब और चमेली का फूल मंगवाया है, यानी रोज एंड जैस्मिन, ये हो गए हमारे नोट्स। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं? इसके कहने का मतलब यह है कि नोट मेकिंग में आपके एग्जाम पेपर में एक पैसेज आएगा, उस पैसेज में से आपको केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो ही निकालनी है, और वो निकाल कर लिखनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत सारे फूलों का एक गार्डन था, उसमें से सर ने केवल एक चमेली का और एक गुलाब का ही फूल मंगवाया और कोई फूल नहीं मंगवाया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको उस पैसेज रूपी गार्डन में से सेंटेंस रूपी केवल दो या तीन प्रकार के नोट ही लेने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार से उन नोट्स को चुनेंगे। कोई भी नोट मेकिंग करने से पहले, इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नोट मेकिंग करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग, ये हो गया हमारा रूल नंबर वन। अब ये हेडिंग क्या होता है, अभी हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। रूल नंबर दो होता है सब हेडिंग, रूल नंबर थ्री मेन बॉब्स, रूल नंबर चार होता है टाइटल। तो देखिए, हमको कुछ ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, या फिर हम इन मेन वर्ड्स को मेन वर्ड्स ना कह के की वर्ड्स कह सकते हैं, की वर्ड्स कहिए इनको। मेन वर्ब तो आप गलत समझ जाएंगे, आप वो मेन वर्ब वाली मेन वर्ब समझ जाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका मतलब है की वर्ड्स, कि आपको कुछ की वर्ड्स उसमें से निकालने होंगे। अब चलते हैं हेडिंग की तरफ, ये हेडिंग क्या होती है। तो देखिए, जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी शुरू से ही एंड तक का पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले पैसेज का जो शुरू का पैराग्राफ है वो ही पढ़ना है, और उसी में से आपको हेडिंग निकालनी है। हेडिंग का मतलब होता है मेन पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स, उसमें से मुख्य पॉइंट्स हमको निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेडिंग का मतलब मेन पॉइंट्स।
ये हमारे हो गए मेन पॉइंट्स। अब आ जाइए सब हेडिंग। जब हमने हमारा मेन पॉइंट्स बना लिया है तो उसके बाद उस मेन पॉइंट से रिलेटेड हमें कुछ सब हेडिंग्स बनानी है, यानी कि दो या तीन लाइनें हमें उसके बारे में लिखनी है, वो हो जाएंगी हमारी सब हेडिंग्स। फिर आ जाते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हम फुल ना लिख के उनका शॉर्ट रूप लिखते हैं। जैसे हमारा मान लो आ गया लाइफ, तो लाइफ को हम लिख सकते हैं LYF, केवल शॉर्ट रूप लिख सकते हैं उसका। और एक हमारा आ गया इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं इन्फो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप शॉर्ट करके लिख देते हैं, इससे आपका जो पैसेज है या नोट मेकिंग है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। एग्जामिनर ये सोचते हैं कि वास्तव में बच्चे को कुछ आ रहा है। फिर आ जाइए लास्ट में टाइटल की तरफ। अब ये टाइटल क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। लेकिन आप इस बात पर आश्चर्य करोगे कि जब भी हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं तो उसमें टाइटल सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे हमको मैम ने टाइटल सबसे लास्ट में क्यों बताया है? तो देखिए वो बात भी मैं आपको समझाती हूँ। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, और शीर्षक का मतलब होता है कि आपके सामने जो स्टोरी है या पैसेज है उसमें मुख्य बात क्या कही गई है, वो ही हो जाता है टाइटल। तो हम इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो हम वन बाय वन एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए चलते हैं। इस प्रकार से हम पूरे पैसेज को कई बार से रीड कर लेते हैं। तो जब कई बार एक पैसेज या एक स्टोरी रीड हो जाती है उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि आखिर उसमें बताया क्या गया है। और मान लो हम शुरू से ही उस टाइटल को लिख देंगे तो हम एक बार में इतना बड़ा पैसेज पढ़ पाएंगे, ढंग से पढ़ पाएंगे, और फिर उसका एक वर्ड में या दो वर्ड में टाइटल लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हम हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, फिर सब हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, फिर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने लगभग दो या तीन बार उस पैसेज को या स्टोरी को रीड कर लिया है। उसके बाद हमारे ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इस स्टोरी में या पैसेज में क्या बताया गया है। इसी वजह से हम टाइटल को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो टाइटल हो गया हमारा शीर्षक। अब चलते हैं एक पांचवा जो है मेन, जो इसका रूल है वो है कि इसमें आप जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज करो। सिंबल्स मतलब क्या होता है? सिंबल्स होते हैं जैसे आपने डैश का यूज किया, इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया। ये जो सिंबल्स हैं इनका आप यूज करेंगे तो सामने वाले एग्जामिनर पर बहुत ग्रेट इफेक्ट पड़ेगा। वो ये सोचेगा कि बच्चा सिंबल्स के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो एक नोट मेकिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट मेकिंग एक पैसेज के बेस पर बनाकर और इन रूल्स के बेस पर बनाकर बताएंगे। तब तक के लिए